यहाँ पत्थर आते हैं, देखते हैं नई टीरी है क्या, क्या धुआं छोड़ रहा है मेरे भाई। तो यहीं पे आते हैं भाई, यह पीपल डाली का पुल और हमारे एरिया का सबसे बड़ा मार्केट। तो यहाँ से भाई चमियाला मार्केट शुरू हो जाता है और गांव का नाम है मांदरा बासर। तो फाइनली यार आज देहरादून से वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बज रही है सुबह की। बाकी ये जो रास्ता है ये रानी पोखरी वाला रास्ता, यानी रानी पोखरी से होते हुए जाता है नई टिहरी की तरफ। क्या होता है कि हमें ऋषिकेश जाना नहीं पड़ता है फिर, इसलिए मैं भी ज़्यादातर ना इसी रास्ते से जाता हूँ। अभी सीधे यहाँ से रानी पोखरी से होते हुए ये नरेंद्र नगर तक जाता है ये रास्ता, वो 16 किलोमीटर पड़ता है बस। और फिर ऋषिकेश से घूमते हुए आपको पता ही है कितना ज़्यादा मतलब लंबा पड़ जाना था रास्ता ना। कहीं कहीं पे तो मतलब ठीक है ये रास्ता ना, लेकिन कहीं कहीं पे भाई ऐसी बुरी हालत है इस रास्ते की, लंगूर वंगूर भी मिल जाते हैं भाई इधर से, जंगल से होते हुए जाता है ये रास्ता। तो देखो पूरी टोली बैठी हुई है लंगूर की सामने, यहाँ भी सामने वाले पेड़ पे। वैसे मैं जब भी देहरादून से घर की तरफ जाता हूँ तो वैसे मैं जाता तो इसी रास्ते से हूँ हमेशा, सिर्फ बरसात के टाइम पे छोड़ के। बरसात के टाइम पे थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा खतरा रहता है यार, क्योंकि बरसात के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह गिरते हैं, ऐसी पहाड़ियाँ हैं भाई, पत्थर वगैरह गिर जाते हैं नीचे की तरफ। तो मैं इस जगह की बात कर रहा था आपसे कि भाई यहाँ पत्थर आते हैं, तो देखिए ऊपर कैसे दिखाई दे रही है पूरी चट्टान, और अभी भी आते रहते हैं यहाँ पत्थर ऐसे ना। तो इसलिए बस बरसात में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बरसात के टाइम पे बारिश की वजह से ना पूरे पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं इस रोड पे। ये देखो भाई आजकल यहाँ काम चल रहा है ऊपर की तरफ। बीच में बरसात में सारा टूट गया था ना, इसकी वजह से अभी काम चल रहा है इधर, और धूल ही धूल है भाई आजकल तो रास्तों पे, काफ़ी टाइम से बारिश वगैरह भी नहीं हुई है। बंदर और लंगूरों का बड़ा आतंक है यार अब सब जगह ना, गांव की तरफ भी अगर देखो ना बंदरों ने तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाया रहता है। हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन राठौड़ी ब्लॉग्स। और अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से, क्योंकि पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। सामने नरेंद्र नगर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। अभी आ गए हम मेन रोड पर जो टिहरी के लिए जाती है ना, और मेरा गाँव भी टिहरी में पड़ता है वो आपको पता ही है, घनसाली से आगे, और ये रहा नीचे नरेंद्र नगर। तो हम आ चुके हैं अभी नरेंद्र नगर से ऊपर की तरफ, अभी पहुंच गए हम कुंजापुरी मंदिर के पास। तो वैसे कुंजापुरी जो मंदिर है ना ऊपर है, यहाँ भी काफ़ी फेमस टेंपल है, और जाएंगे भाई कभी कुंजापुरी माता के दर्शन करने के लिए। बाकी हम अभी पहुंचने वाले हैं आगरा खाल में, कुंजापुरी माता के मंदिर के बाद ना आगरा खाल ही आता है। अभी भाई ये शुरू हो गया तुम्हारा आगरा खाल, तो आगरा खाल भी काफ़ी फेमस है भाई यहाँ की जगह। पहले इतना बड़ा मार्केट नहीं था, अभी मतलब 3-4 साल से ना कुछ ऐसा मार्केट यहाँ का ना काफ़ी बड़ा हो गया है। वैसे ही मेन मार्केट जो था ना आगरा खाल का वो ये है यहाँ पे, ये भी काफ़ी फेमस जगह है भाई। लोग यहाँ से भाई अदरक वगैरह लेके जाते हैं, दाल वगैरह अदरक वगैरह वो दिख जाएंगे आपको, देखिए रखा हुआ है ना साइड में अदरक दाल, बहुत फेमस दाल और अदरक मिलते हैं, और बहुत सारे लोग ले जाते हैं भाई यहाँ से। वैसे ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग है, इससे पहले मैंने मोटो ब्लॉगिंग कभी करी नहीं है। हम चंबा पहुँचने वाले हैं, यहाँ से चंबा भाई 10 से 15 किलोमीटर के आसपास है, और चंबा पहुँचते ही यार ऐसा लगता है कि जैसे हाँ हम अपने ना एरिया में आ गए हैं। और यार यहाँ पे ना रोड की बहुत बुरी हालत है। अभी ये जो जगह है ना नाम है आमसेरा, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि छड़ा के पास मतलब छड़ा मतलब यहाँ पे झरना टाइप का है ना एक, आजकल तो खैर कहाँ से होगा वो झरना, आजकल तो सूखा पड़ा हुआ भाई, पता नहीं ये चट्टान अजीब सी है। ये चंबा से पहले ना ये गांव है, यहाँ नीचे ना गांव है, अभी यहाँ से दिखाई नहीं देता है लेकिन नीचे की तरफ गाँव पड़ता है। तो इस गाँव का नाम भी थोड़ा सा मतलब मस्त टाइप का है, इस गाँव का नाम है कुकुरबागी। तो चंबा से ना थोड़ा पहले पड़ता है ये, चंबा भी 10-15 किलोमीटर होगा यहाँ से। बहुत सारी जगह मैंने देखा ना, थोड़ा अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे पहाड़ों की तरफ। तो यहाँ से भाई सामने की तरफ दिखाई दे रहा है ये है चंबा,
अभी तो खैर मार्केट से होते हुए ही जाएंगे। तो अभी 3 किलोमीटर है यहाँ से चंबा, तो कुछ ऐसा दिखता है भाई यहाँ से चंबा मार्केट, और चंबा का जो एरिया है ना, चंबा के ऊपर पड़ती है नई टिहरी, और देखते हैं नई टिहरी अगर जाने का कभी होगा। भाई क्या धुआं छोड़ रहा है मेरे भाई गाड़ी है कि। लेकिन अभी हम चंबा पहुंचने वाले हैं, मैं यही बता रहा था, लेकिन अचानक भाई ने मुंह में ऐसा धुआं छोड़ा ना मेरे। तो अभी पहुंच गए हम चंबा मार्केट में, और ये भी मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट है यार चंबा मार्केट, भीड़ भी काफ़ी रहती है इस जगह, और मतलब एकदम ना मस्त जगह है एकदम चंबा। और नई टिहरी जाओगे तो और भी ज़्यादा मस्त जगह है नई टिहरी। तो बाकी भाई अभी तो हमें नई टिहरी जाना नहीं है, हम चंबा से होते हुए ही टिहरी डैम से होते हुए जाएंगे घनसाली की तरफ। पहाड़ों के मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लग गई है। और यहाँ से ये जो रूट जाता है ये वाला है घनसाली वाला रूट, ये बंदा भाई पता नहीं क्या ही कर रहा है यार, ना खुद जल्दी जा रहा है ना किसी को जाने दे रहा है। तो जिधर ये गाड़ी जा रही है यही रूट जाता है भाई घनसाली के लिए, बाकी दूसरी तरफ मसूरी वाला रूट जाता है। और लगातार इतनी सुबह से ना चलने के बाद अभी 12 बज रही हैं दिन की। बाकी भाई ये सामने का व्यू आप देख सकते हैं, इतने सारे गांव दिखाई देते हैं सामने की ओर, और फूल ही फूल खिले हुए हैं भाई सामने। यहाँ पूरे खेतों की तरफ जो खेतों के ऊपर ही दिख रहे हैं ना पेड़, तो सारे ऐसे लग रहे हैं मोल के पेड़ हैं, तो उन पर सफ़ेद फूल आए हुए हैं। तो अभी भाई यहाँ से शुरू हो जाती है टिहरी झील, और ये जो जगह है ना इसे कहते हैं कोटी कलोनी, मतलब इस एरिया को कहते हैं कोटी कलोनी। आजकल तो लोग यहाँ ना बोटिंग करने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग गर्मियों के टाइम पे, मज़ा आता है यार बोटिंग करने में टिहरी झील के ऊपर। ये देखो भाई नीचे अभी कोई कर तो नहीं रहा है बोटिंग, लेकिन नीचे ना बहुत सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं वहाँ पे, तो इतनी सारी बोट भी हैं, तो यहीं पे आते हैं भाई, आप भी आ सकते हो यहाँ बोटिंग करने के लिए, बहुत मज़ा आता है वैसे बोटिंग में। मैं भी आऊँगा कभी तो आपके पास वीडियो तो पहुँच ही जाएगी। फ़िलहाल तो भाई अभी लेट हो रही है, फटाफट से जाना पड़ेगा घर की तरफ। तो अभी देखिए नीचे टिहरी डैम दिखाई दे रहा है ना, तो अभी हम टिहरी डैम से ऊपर आ चुके हैं और निकल चुके हैं आगे टिपरी की तरफ, और टिपरी में मेरे ख्याल से मैं थोड़ा खाना वगैरह खाऊँगा। ये है भाई टिपरी, अभी हम टिपरी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे हम। यहाँ वैसे ज़्यादातर लोग तो खाना वगैरह खाने के लिए ही रुकते हैं, तो मैं अभी इधर कहीं एक लास्ट में होटल है यहाँ पे, तो अभी टिपरी से आगे निकल चुके हैं। टिपरी पे थोड़ा सा मैंने खाना वगैरह खाया जो कि भाई ज़रूरी था, वैसे भी दिन की 1 बज चुकी है और टाइम मुझे काफ़ी लग गया यार, मैं थोड़ा धीरे धीरे ही आ रहा था क्योंकि अभी मुझे दिक्कत हो रही है ये जो मोटो ब्लॉगिंग करने में ना, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में अगर ध्यान तुम्हारा कैमरे की तरफ हुआ तो तब दिक्कत हो सकती है। टिपरी से आगे पड़ता है ये छोल गाँव, छोल गाँव कहते हैं इस जगह का नाम जहाँ पर मैं अभी हूँ भाई नंद गाँव। और ये देखिए बच्चे, स्कूली बच्चे, देखिए सामने खूबसूरत नज़ारा, यह है पीपल डाली का पुल, और सामने एक होटल भी पड़ता है एलपी पॉइंट रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, तो अभी वो आगे है मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये देखिए यह है पीपल डाली का पुल। पीछे इसलिए रुका था क्योंकि वहाँ से ना पुल का नज़ारा थोड़ा सा पूरा दिखाई देता है, मतलब पूरा का पूरा जो पुल है ना वो वहाँ से दिखाई देता है। बाकी भाई ये है आपका सेल्फी पॉइंट रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी फेमस है भाई इधर, और ये है पीपल डाली, तो मार्केट वैसे आगे है पीपल डाली का, बस यहाँ से शुरू है मार्केट, ये है पीपल डाली मार्केट। और ये है जी आपका गडोलिया,
इस जगह को कहते हैं गडोलिया। और यहाँ से आगे जाएंगे ना तो आगे है जागदार, तो जागदार भी आपको दिख ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ से 1 किलोमीटर है वैसे जागदार ना, ये है वो जागदार जहाँ की मैं बात कर रहा था, कुछ ऐसा दिखता है भाई जागदार। बड़ा वैसे मार्केट नहीं है लेकिन कुछ दुकानें हैं यहाँ पे। बाकी ये देखिए नीचे झील दिखाई दे रही है ना, और यहाँ भी बोटिंग कर रहे हैं यार लोगों को देखिए। और गोप्रो पे तो यार जूम वाला सिस्टम है नहीं, मैं जूम करके दिखाता आपको, लेकिन नीचे ना लोग बोटिंग कर रहे हैं इस समय। तो टीरी डैम से काफ़ी आगे आ चुका हूँ और सामने अभी जो दिखाया था ना मैंने जागदार से आगे की तरफ, आगे जागदार तो उस तरफ है भाई कहीं ना, काफ़ी आगे आ चुका हूँ। ये देखिए नीचे झील दिखाई दे रही है, तो नीचे यहाँ पे मकान दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये पुराने मकानों के निशान दिखाई दे रहे हैं ना। तो इस झील की वजह से ना काफ़ी गांव डूबे थे यार यहाँ। तो ये देखिए नीचे आजकल पानी का स्तर थोड़ा कम है, इसकी वजह से यहाँ नीचे खेत और मकान दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे मकान हैं यहाँ पे। अभी ये जो जगह थी ये थी भाई पड़ागली, इसका जगह का नाम है पड़ागली। तो अभी बच्चे आ रहे थे स्कूल से, आजकल तो भाई बच्चों के पेपर चल रहे होंगे। ये है पिलखी, और यहाँ नीचे जो बिल्डिंग दिख रही है ना ये हॉस्पिटल है यहाँ का। तो पिलखी हॉस्पिटल यार काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है हमारे यहाँ का, मतलब ज़्यादातर लोग जिनको मतलब थोड़ा सीरियस इशू होता है ना तो वो ज़्यादातर यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। और पिलखी वैसे गाँव ना नीचे की तरफ काफ़ी डूब गया था, मेरा दोस्त बता रहा था वो पिलखी का था। तो वैसे ऊपर की तरफ भी ये काफ़ी बड़ा एरिया है पिलखी का, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में ना। तो ये है जी पिलखी, नाम काफ़ी मज़ेदार होते हैं यार पहाड़ों में। आप किसी भी गांव के किसी भी एरिया के नाम देखेंगे ना तो उनके नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होती है वैसे नामों के पीछे, उन नामों का कुछ ना कुछ मतलब तो होता ही है। और यहाँ से भाई हमें घनसाली पड़ेगा 6-7 किलोमीटर मेरे ख्याल से। बस इतना ही था भाई पिलखी, अभी पिलखी ख़त्म। ख़त्म बोले तो पिलखी का मार्केट यहीं तक था, बाकी अभी हम जाएंगे आगे घनसाली की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घनसाली में, मतलब घनसाली के ऊपर पहुंचा हूं मैं, नीचे मार्केट में नहीं पहुंचा हूं, मार्केट से होते हुए जाएंगे। वैसे काफ़ी बड़ा एरिया है यार घनसाली का ना, लेकिन मैं जाऊंगा यहां बाईपास से होके, वो मैं दिखा दूंगा आपको कहां से जाता है बाईपास वाला रास्ता, क्योंकि उधर से घूम के जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे एरिया का सबसे बड़ा मार्केट घनसाली मार्केट ही है। बाकी ये जो रोड जा रही है ना यहाँ नीचे पे, ये है बाईपास वाली रोड, और उधर से भी होते हुए जाती है एक रोड, लेकिन वहाँ पूरा मार्केट घूम के जाने में क्या फ़ायदा, पास से होते हुए ही जाएंगे। तो यहाँ से जाते हुए ना ये सामने जो पुल है यहाँ से चमयाला के लिए चला जाऊँगा मैं, क्योंकि भाई मुझे चमयाला के लिए जाना है। तो बाईपास से ही होते हुए जाते हैं, वैसे भी जो भी यहाँ से आता है ना वो बाईपास से होते हुए ही जाता है। अब उन्होंने वहाँ वाला रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा जाम लगता था। तो ये वाली रोड है बाईपास वाली रोड, जो कि भाई सीधे चमयाला वाली रोड पर मिल जाती है नीचे मार्केट के पास। तो ये है चमयाला वाली रोड, तो यहाँ से होते हुए हम चमयाला जाएंगे। वैसे ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा मार्केट है घनसाली मार्केट ना, कभी आना होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन अभी तो भाई काफ़ी लेट हो चुकी है मुझे। वैसे इतनी लेट नहीं हुई है, सही टाइम पे पहुंचा हूं मैं, मतलब ना ज़्यादा जल्दी आया हूं ना ज़्यादा मुझे लेट हुई है जी। यहाँ का मतलब सबसे सुगंधित एरिया फिलहाल तो भाई ये गायें दिख रही हैं बस, मतलब ये घनसाली वालों का कूड़ादान है। और मतलब यहाँ मुझे इतना मूड ऑफ होता ना मेरा ये एरिया देख के भाई, इतनी गंद आती है ना यहाँ पे भाई, सारा घनसाली वालों का यहाँ कूड़ा आता है। अब पता नहीं भाई क्या करते हैं ये, मतलब ऐसी जगह पे इन्होंने कूड़ेदान पता नहीं क्यों बना रखा है इतने नज़दीक यार। बिल्कुल मार्केट शुरू होने से पहले जब हम चमयाला से घनसाली की तरफ जाते हैं तो कूड़ादान स्टार्टिंग में दिख जाता है और सारा मूड ऑफ हो जाता है वो कूड़ादान देख के, बहुत बेकार है भाई कसम से। इस जगह का नाम है बेलेश्वर, और भगवान शिव का मंदिर भी है यहाँ बेलेश्वर के नाम से, बेलेश्वर महादेव का मंदिर।
और हॉस्पिटल भी है यार यहाँ, बेलेश्वर का हॉस्पिटल। हमारा जो मेन हॉस्पिटल है वो यहीं है, गेट है ना, यहाँ से ऊपर को जाता है मंदिर का रास्ता, दिख रहा होगा हल्का फुल्का मंदिर। तो यहाँ से भाई चमियाला मार्केट शुरू हो जाता है और ऊपर की तरफ पड़ता है सिरकोट गांव। और ये लगा दीजिए कि यहीं से सिरकोट से ही ना अब चमियाला का मार्केट शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा मार्केट है चमियाला का मार्केट। बस ये सही है कि आज ना यहाँ मार्केट में जाम नहीं लगाया, शायद आगे दिखेगा। भाई मेन मार्केट तो आगे है, वैसे तो ये पूरा ही मार्केट है, लेकिन जहाँ जाम लगता है वो जगह आगे है, इसलिए बहुत तगड़ा वाला जाम लगता है इधर। और हमारे एरिया में घनसाली के बाद भाई दूसरे नंबर पे यही मार्केट है जो इतना बड़ा मार्केट है हमारे यहाँ। पाँच मिनट तो मुझे यहीं पे लग गए मार्केट से बाहर निकलते निकलते, और अभी भी मतलब मार्केट ऐसे ख़त्म नहीं होता भाई, ये चमियाला का काफ़ी आगे तक है। जो मेन गांव है चमियाला का वो ये रहा नीचे की तरफ, यहाँ से आगे की तरफ मतलब बहुत आगे काफ़ी बड़ा गांव है। घनसाली भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, लेकिन वहाँ मुझे इतनी चिंता नहीं रहती है। ये देखिए ये है नीचे चमियाला गांव। घनसाली में इतनी चिंता नहीं रहती है मतलब कि जाम लगेगा, क्योंकि वहाँ अब लगता नहीं है जब से बाईपास बनाया ना। लेकिन भाई चमियाला में बाईपास नहीं है, बस एक सिंगल रास्ता, और ऊपर से इतनी भीड़ रहती है चमियाला मार्केट में, उसके बाद वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर जाम लग गया तो। ऊपर से भाई गर्मी भी होती है, जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी ज़्यादा गर्मी तो खैर होगी। तो अभी यहाँ से जो मेरा गांव है वो लगभग होगा आपका 16 किलोमीटर, और खैर अभी तो हम अच्छी खासी रोड पर चल रहे हैं, जब गाँव की रोड आएगी तब और हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि रोड थोड़ी सी ख़राब है मेरे गांव की। जगह है भाई लाटा, वो देखिए सामने घर दिखाई दे रहे होंगे, तो ये लाटा गांव है ऊपर की तरफ, मतलब पूरा लाटा वाला एरिया है। ये है आपका छतियारा, तो छतियारा से ये जो रोड जा रही है ना, जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये वैसे बूढ़ा केदार वाली रोड है, सीधे बूढ़ा केदार के लिए जाती है, और हमारी रोड ये ऊपर की तरफ जाएगी अभी आगे से। और बस ख़राब रोड शुरू होने वाली है बस थोड़ी आगे से, इसी रोड पे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है यार, टाइम भी लगता है हमारी वाली जो रोड है ना, क्योंकि वो पूरी ख़राब है। तो अभी ये देखिए ये जो रोड सीधी जा रही है ना, ये जाती है बूढ़ा केदार, और मुझे जाना है यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी कि अपने गांव की तरफ, जो कि बासर पट्टी में पड़ता है ना हमारा गाँव। तो ये रोड भी भाई बासर पट्टी की तरफ ही जाती है, सारे गाँव कनेक्ट हैं इस रोड से बासर पट्टी के। आगे से भी रास्ता है वैसे, जो बूढ़ा केदार वाली रोड है ना वहाँ से भी है, लेकिन वो हमें लंबा पड़ता है, हमारा गांव यहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो ये हमारे गांव का मेन रास्ता है। जैसे कि यहाँ पे है बुरी हालत, तो ऐसे ही है भाई कुछ। छतियारा की मैं बात कर रहा था ना, छतियारा जो मेन गांव है वो इस तरफ है, ये सामने जो गाँव दिख रहा है ना ये है छतियारा गाँव, और आगे बहुत सारे गाँव पड़ते हैं। छतियारा के बाद आपका पड़ेगा हैड़ी, हैड़ी के बाद हैड़ी के मतलब हैड़ी से लग के ही गजौन गांव पड़ता है ऊपर, थोड़ा सा नीचे को भी गजौन गांव भी बोलते हैं। और ये ऊपर हल्का सा दिखाई दे रहा होगा हमारा गांव, अभी वहां जाना भाई मुझे, तो अभी पूरा कर्ण गांव से घूमते हुए जाऊंगा। आगे है कर्ण गांव, जो गांव है ना वो आगे की तरफ है अभी, तो कर्ण गांव से होते हुए घूम के जाना पड़ता है हमारे गाँव के लिए। ये जी कर्ण गांव, जहाँ की मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ से घूमते हुए जाना पड़ता है। फाइनली यार गांव के ऊपर सड़क में पहुंच चुका हूं। अभी पहले तो बाइक लगा देता हूं ऊपर की तरफ, फिर आपको दिखाता हूं नीचे गांव का नज़ारा। तो भाई मैं गाड़ी अपनी लगाता हूं यहां पे, अभी पहुंच गए हैं यहां पे पितृदेवता के मंदिर में। जय हो पितृदेवता। और भाई काफ़ी लंबी राइडिंग करने के बाद, और वैसे भी पहला ब्लॉग था ये मेरा, मोटो ब्लॉग, जो फर्स्ट मोटो ब्लॉग होता है ना इतनी लंबी राइड का। गांव तो ये देखिए नीचे गांव है, और काफ़ी मतलब पूरा थकान भरा दिन रहा है, और दिखाता हूँ आपको गांव कुछ ऐसा दिखता है भाई नीचे गांव का नज़ारा। और गांव का नाम है मांदरा बासर। तो आ गए भाई अपने घर में, और यहाँ तो ऐसे देख कर लग रहा है भाई कि कल तगड़ी वाली बारिश हुई है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दें ताकि जब भी ऐसी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।